तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं नंबर सिस्टम, राइट। और नंबर सिस्टम में मैंने आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स करा दिया, भाई हमारे पास कितने अलग अलग टाइप्स के नंबर्स हैं वो आपको करा दिया है। साथ ही हमने उनकी प्रॉपर्टीज भी करी थी। We did one more thing, thirds and indices, जो हमने शुरू किया था उसी को आज हम जो है वो आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। नंबर सिस्टम क्या कर रहे हैं हम, थर्ड्स एंड इंडेसेस, क्या कर रहे हैं हम, थर्ड्स एंड इंडेसेस। देखो ये जो थर्ड्स एंड इंडेसेस का टॉपिक है ना, ये आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास में। इसमें आपके पास में जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसी टॉपिक से आपके पास में, थर्ड्स एंड इंडेसेस से। साथ ही क्या है हमारे पास में, ऐसा नहीं कि ये अभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बाद के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे पास में टॉपिक, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से समझना है। इसमें जो बेसिक रूल हमने किए थे एट्थ क्लास में, एक्सपोनेंट्स के रूल्स, सर्च कुछ नहीं है, एक्सपोनेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो बेसिक रूल्स हमने किए थे ना एक्सपोनेंट्स के, उन्हीं बेसिक रूल्स को हम आगे करेंगे। एक्सपोनेंट्स के बेसिक रूल क्या किए थे, अगर अगर दो नंबर्स है हमारे पास में, अगर दो हमारे पास में नंबर्स है इस तरीके से कि उनका बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है पर वो मल्टीप्लाई में, तो पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है। सेम चीज अगर आपके पास में डिवाइड में है तो यस पावर्स क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अगर आपके पास में पावर सेम है और बेस डिफरेंट है तो पावर्स मल्ट, अरे उल्टा बोल दिया ना सॉरी, आपके पास पावर सेम है और बेस डिफरेंट है तो क्या होता है कि जो बेस होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं ए इंटू बी और होल पावर एन। जैसे मान लो 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 7, तो 2 मल्टीप्लाई 3 होल पावर 7, 6 की पावर 7 विल बी योर आंसर। समझ में आई बात, 6 की पावर 7 विल बी योर आंसर। ऐसे अगर आपके पास में है ए टू दी पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। वेरी गुड, किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। सेम अगर आपके पास में ए टू दी पावर एम, तो अगर उसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊं तो ये हो जाएगा 1/a^-m, क्या हो जाएगा 1/a^-m। समझ में आएगा क्या होगा, सिर्फ हमारी जो पावर्स है उसका साइन चेंज हो जाता है। सेम फॉर अगर नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो लेट इट भी मैंने आपको दिया 2^-7, अभी माइनस था तो माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस। मैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके गई, साइन के आपके पास में प्लस हो गया। इतनी चीज समझ में आई, इसमें कोई डाउट है, पक्का वाला? एक दो तीन चार पांच, ठीक है। अगर एक ही नंबर पे दो पावर्स है, ए टू दी पावर एम होल इन टू एम, एक ही नंबर पे दो पावर्स है, ए टू दी पावर एम होल इन टू एन, तो क्या हो जाता है, पावर्स मल्टीप्लाई करती है, दिस बिकम्स ए इन टू ए की पावर एम इन टू एन, ए की पावर एम इन टू एन। समझ में आ गई बात, एक ही के दो पावर्स है हमारे पास में तो वो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पावर्स क्या हो जाएंगी आपके पास में। तो सिंपल से इवैल्यूएशन करते हैं, पहले हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, बताइए क्या आंसर आएगा, बताइए व्हाट विल बी योर आंसर, फटाफट बी क्विक। 5 की पावर 5, यस, क्या होगा, कौन सा रूल रहेगा, फर्स्ट वाला। पावर्स क्या होती है, ऐड होती है, पावर्स क्या होती है हमारे पास में, ऐड होती है। जब आपके पास बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होती है आपके पास में, ऐड होती है। तो ये हो जाएगा आपके पास में 5 की पावर 2 प्लस 3, 5 की पावर 2 प्लस 3। विजिबिलिटी का थोड़ा सा मेरे को लग रहा है इसमें गड़बड़ है।
क्या रहेगा आंसर? 5 की पावर 5। 5 की पावर 5 आंसर क्या रहेगा? 5 की पावर 5। ऐसे अगर आपके पास में है 5 to the power 8 डिवाइडेड बाय 5 to the power 3 क्या आएगा? 5 की पावर 8। वेरी गुड, 5 की पावर 8 - 3 मतलब 5 की पावर 5 ही रहेगा, 5 की पावर 5 ही रहेगा। समझ में आ रहा है? अरे वाह, इस बार हाथ उठा रहा था, इस बार इसे मैं पूछूंगी। नेक्स्ट, 3 to the power 2 whole power 2 बताओ। यस, एक ही नंबर की दो पावर होती है तो पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। लास्ट प्रॉपर्टी देखो, लास्ट रूल, लास्ट तो फिर हम बोल रही थी, मैं बोल रही थी 2 सेम है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो तो दूसरी थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुलदीप जी आ गए। दिस विल बी 2 to the 4 3 की पावर 4 क्या देगा ये? 3 की पावर 4 उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये पावर डिफरेंट होती, मैंने दे दिया 3 की पावर 2 into 6 मतलब 2 की पावर 6 तो क्या क्या 2 into 6 That doesn't matter. आ रही बात समझ में? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखना, हमारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमारे पास में क्या रहता है? सेम। ऐसे आपके पास में 11 by 12 whole power 3 कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? दोनों को 3 से मल्टीप्लाई क्या होता है? 1 3 3 1 क्यूब। 11 का हमने क्या निकाल दिया? क्यूब। 12 का क्यूब क्या होता है? 1 7 2 8 1 4 4 तो स्क्वायर होता है, यहाँ क्या है? क्यूब है हमारे पास। 4 into 12 क्या है? आ रही बात समझ में? हाँ या ना? आ गई ना? बहुत अच्छे। तो ये चीज करनी है हमारे पास में। ऐसे आपके पास में एक और क्वेश्चन देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है आपके पास 3 by 4 की पावर -2 3 by 4 की पावर -2 जब तक बताइए क्या होगा? 3 by 4 की पावर -2 क्या होगा ये? 3 की पावर -2 सबसे पहले पावर को पॉजिटिव करेंगे। पहला काम क्या होता है? पावर को पॉजिटिव करना। और पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं? पावर को पॉजिटिव करने के लिए उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है। इसको आप ऐसे समझ लो, इसको लिख देंगे 1/3/4 की होल पावर -2 आ रही बात समझ में? इसको ऐसे समझ लो, इसको लिख देंगे 1/3 की होल पावर 2 समझ में आई बात? पक्का यहाँ तक कोई डाउट है? और इसको अब आप सिंप्लीफाई कर दो, क्या आ जाएगा? 4 की पावर 2 upon 3 की पावर 2 16 3 की पावर 2 9 तो योर फाइनल आंसर इज 16/9 अब ये तो सिंपल से क्वेश्चंस हैं हमारे पास में, ये क्या है? सिंपल से क्वेश्चन है। अब हम इसको जो है वो थोड़ा सा बड़े रूप में देखते हैं। आपके पास में क्वेश्चन है 2/11 क्या है क्वेश्चन? 2/11 whole power 4 whole power 4 into 11/3 whole power 2 2/11 whole power 4 into 11/3 whole power 2 into 3/2 का whole power 3 3/2 का whole power 3 देखो, एक मैं अटेम्प्ट करके बता रही हूँ, आगे फिर आप ट्राई करेंगे खुद से। सबसे पहला काम क्या करो? पावर्स को अलग अलग कर देते हैं। क्या करते हैं?
पावर्स को अलग अलग कर देते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 अपॉन 11 की पावर 4 इंटू 11 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3। ठीक है, अब क्या करो, जो सेम नंबर्स हैं, सेम नंबर्स को आप एक साथ ले आओ, क्या करते हैं, सेम नंबर्स को एक साथ ले आते हैं, 11 को 11 के नीचे, 2 को 2 के नीचे, तो 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 2 अपॉन 11 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 2। आगे बात समझ में, 3 की पावर 2। अब क्या होगा, जब डिवाइड में होता है, बेस सेम होता है, पावर डिफरेंट होती है, क्या करते हैं, माइनस क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 माइनस 3 11 की पावर 2 माइनस 4 3 की पावर 3 माइनस 2। आ रही बात समझ में, 2 की पावर 4 माइनस 3 पावर माइनस होगी। ये मत देखना कि बड़ा नंबर है इसलिए माइनस किया, देखो यहाँ छोटा नंबर था 2 2 माइनस 4 3 3 माइनस 2। समझ में आ रही है बात, कि जो नंबर है उसी से डायरेक्ट करो, ऊपर की पावर ऊपर से और माइनस कर दो, ये नहीं देखना कि बड़ा नंबर नीचे 2 माइनस 4 लिखूंगी 4 माइनस 2 लिखूंगी, नहीं वो गलत हो जाएगा। न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की पावर, रूल क्या था, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n वाज a टू दी पावर m माइनस n। आ रही बात समझ में, लॉजिक समझो, यहां पे क्या है, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n, a टू दी पावर पावर नीचे डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब देखो बेस सेम है, पावर ऐड होते हैं तो प्लस माइनस माइनस, समझ में आ रही है बात, तो डिराइव सारे एक ही से होते हैं हमारे पास। हम क्या करते हैं, हम आपको डेरिवेशन ना बता के हम सीधा फॉर्मूला बता देते हैं, बेटा जी इसको लगा लो, समझ में आ गई बात, तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे, 4 माइनस 3 1 या देगा 11 की पावर माइनस 2 3 3 माइनस 1 3, तो 2 3 6 अपॉन नीचे 11 की पावर 2 दैट इज 6 अपॉन 1 2 1 6 अपॉन 1 2 1। समझ में आ गई बात, एकदम चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, सेम क्वेश्चन करेंगे ऐसी, 1 by 2 whole power 5 मल्टीप्लाई माइनस 2 by 3 होल पावर 4, 1 by 2 whole power 5 मल्टीप्लाई माइनस 2 by 3 होल पावर 4 मल्टीप्लाई 3 by 5 होल पावर माइनस। ठीक है, तुम क्यों करके बता रही हो इसको, क्या करोगे, अटेम्प्ट करोगे, चले करिए अटेम्प्ट करिए, वो देखो फिर क्या करेंगे, पहले सेम वालों को एक साथ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 की पावर 5 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई माइनस 2 की पावर 4 3 की पावर 4। अब इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, पहले पावर नेगेटिव है ना, तो रेसिप्रोकेट कर दो, ऐसे सरा सा चेहरा क्यों बना रहा है, चंदा सा चेहरा क्यों बना रहा है, देखो माइनस 2 की पावर 4 है, मतलब अगर किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो हमारे पास में नंबर क्या आएगा, इवन ही आएगा ना, हमारे पास में नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो ये हमारे पास में प्लस ही आएगा, मैं प्लस ही कर देती हूँ। ठीक है, अभी देखो डिवाइड में तो क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगी, 2 की पावर 4 माइनस 5, 1 की पावर 5 तो 1, इसको तो छोड़ दिया साइड में, बाबूजी को साइड में छोड़ दो, यहाँ बच गया 5 और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, इसकी पावर क्या है 1, तो 3 की पावर 4 प्लस 1, मतलब आंसर क्या आ गया, 4 माइनस 5 इज माइनस 1, तो 2 की पावर माइनस 1 इंटू 5 अपॉन 3 की पावर 5। नाउ दिस विल बिकम व्हाट, 5 अपॉन 3 की पावर 5 इंटू 2। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। बताइए क्या यही आया, क्या
क्या यही आ रहा है? गलती समझ में आई? ठीक है, इसको दोबारा करना बाद में। ओके बाद में कर लीजिए, एक और क्वेश्चन करते हैं। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करके चलना है बस। देखो क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 8। 2 की पावर 55 मल्टीप्लाई 2 की पावर 55 मल्टीप्लाई 2 की पावर 60 माइनस 2 की पावर 97 मल्टीप्लाई 2 की पावर 18। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, आपने देखा भाई बेस में मल्टीप्लाई में, बेस में मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएंगे हमारे पास के, पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएंगी। और फिर बीच में माइनस भी है ना, तो पहले इसे निकाल लो, तो दोनों को माइनस कर दो। हाँ तो पहले दोनों साइड का कर दो, क्या हो जाएगा? 55 प्लस 60 इज 115, 97 प्लस 8 क्या होगा? 115 तो 2 की पावर 115 माइनस 2 की पावर 115 क्या हो जाएगा? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो, बड़े वाला जीरो, जो आपको पेपर में बिल्कुल भी नहीं लेके आया, समझे? यस। चलिए अगला क्वेश्चन। टू बाय थ्री होल पार थ्री मल्टीप्लाई टू बाय थ्री होल पार थ्री टू बाय फाइव होल पार माइनस थ्री। टू बाय थ्री होल पावर 3 2 बाय 5 होल पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 बाय 5 होल पावर माइनस 2। समझ में आ रही है बात? क्या करेंगे? वही वाला फंडा है कि नहीं? सेम फंडा। अबे 2 की पावर क्या है यार? 3। 2 की दूसरी पावर क्या है? माइनस 3। अलग अलग ही लिख लो, कहीं फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये हो गया, पहले सॉल्व कर देते हैं। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर प्लस हो जाएगी, तो 2 की पावर 3 माइनस 3 इनटू, अब देखो बेस सेम है पर डिवाइड में है तो पावर माइनस होएगी, होल अपॉन बेस सेम है मल्टीप्लाई में पावर क्या होगी? प्लस हो जाएगी, तो प्लस माइनस माइनस होगा। सिंप्लीफाई करो, 3 माइनस 3 इज 0 और 2 की पावर 0 1 होता है, तो ये सीधा हो गया 1। माइनस माइनस प्लस 3 की पावर माइनस 5, माइनस माइनस प्लस 5 की पावर माइनस 5। पावर्स को पॉजिटिव करते हैं, ये हो जाएगा आपका 5 टू द पावर 5 अपॉन 3 टू द पावर 5। सॉल्व करके लिख दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? यहाँ तक कोई डाउट है? सिंपल क्लियर। पर हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की। किसकी बात कर रहे हैं भाई? नंबर सिस्टम की, जिसमें हमारे पास में होल नंबर्स भी है, हमारे पास में नेचुरल नंबर्स भी है, हमारे पास में रैशनल नंबर्स भी है और इरैशनल नंबर्स भी है, हमारे पास एंड इंटीजर्स भी, ऑफ कोर्स इंटीजर्स भी है। तो हमेशा पावर होल नंबर में मिले ये जरूरी नहीं, आगे बात समझ में? हमेशा पावर होल नंबर में मिले ये जरूरी नहीं है। तो अगर पावर होल नंबर में ना होके पावर फ्रैक्शनल में या डेसिमल में, तब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये देखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास में आएंगे क्वेश्चन मोस्टली इसी तरीके, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 10 आज का, 25 की पावर 3 बाय 2 मल्टीप्लाई 25 की पावर 3 बाय 2 मल्टीप्लाई 243 की पावर
डी बाय फाइव होल अपॉन 16 की पावर 5 बाय 4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4 बाय 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करें। इस क्वेश्चन को कैसे करें, मैंने 8 में भी थोड़े ऐसे प्रैक्टिस कराए थे आप लोगों को, और तब भी मैंने कहा था बेटा ये हाई लेवल पे काम आएगा, तो मैं नेक्स्ट ईयर इसलिए करा रही हूं। देखो आप देखो डिनोमिनेटर में पावर क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है 2, डिनोमिनेटर में क्या है 2। तो आप देखो क्या 25 किसी का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 होल पावर 3 मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट क्या आपके पास 243, क्या आपके पास 243, डिनोमिनेटर क्या है 5, तो हमें देखना है क्या ये किसी का फिफ्थ टाइम स्क्वायर होता है, मतलब फिफ्थ टाइम मल्टीपल होता है हमारे पास में। तो आप क्या करें, आप 243 का एलसीएम निकालें, 3 से करेंगे 3 8 24, 3 1 28 3 9 3 3 1, तो 1 2 3 4 5, मतलब 243 को सकते हैं 3 to the power 5, कहां से आ गया बेटा 3 to the power 5, है कि नहीं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 5 होल पावर 5 होल अपॉन। अब देखो 16 यहां पे क्या है 5 बाय 4, डिनोमिनेटर क्या है 4, तो क्या कोई नंबर है जिसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे क्या आए 16 आए। आप एलसीएम निकाल के देख लो भाई, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 और 2 1, दैट मींस इट इज 2 to the power 4 होल पावर 5 by 4 मल्टीप्लाई। अब यहाँ क्या है डिनोमिनेटर 3, नंबर क्या है 8, क्या कोई नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करें 8 आए 2, क्या नंबर है आपके पास 2, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 by 3। बात समझ में आई क्या करना होता है कि जब आपके पास में फ्रैक्शनल पावर है टेंशन ना लो, क्या करना है सिर्फ डिनोमिनेटर को देखो और एलसीएम निकाल के देखो क्या कोई नंबर है जिसको डिनोमिनेटर जितना नंबर है उतने टाइम मल्टीप्लाई करे तो ये नंबर मिल जाए। समझ में आ रही है बात। अब सिंपलीफाई करते हैं, देखो 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, है कि नहीं। क्या मिला आपके पास में देखो, दिस विल बिकम 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3 होल अपॉन 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 4 ऊपर 15 मल्टीप्लाई। अब क्या हो जाएगा, पावर सेम है बेस डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे 5 3 15, और नीचे बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी 5 + 4 2 की पावर 9। समझ में आई बात। आप इसको जो है वो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके लिखेंगे, 15 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे आंसर क्या आ रहा है वो लिखेंगे। ठीक है, मैं वहीं तक छोड़ रही हूँ, पर पेपर में उतना तुमने समझ में आ गई बात। yes. अगला क्वेश्चन करें, यहाँ तक पक्का क्लियर है ना, ऐसा तो नहीं कुछ दिमाग के ऊपर से गया एकदम सेंटर में, चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11, जब ऊपर जाएगा तो बता देना, 16 multiply 2 to the power n plus 1. I raise the standard of your question. 16 multiply 2 to the power n plus 1 minus 4 multiply 2 to the power n. 16 multiply 2 to the power n plus 1 minus 4 multiply 2 to the power n. ऐसे 16 multiply 2 to the power n plus 2. डिनोमिनेटर है आपका 16 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर
एन प्लस टू माइनस टू मल्टीप्लाई टू टू दी पावर एन प्लस टू. समझ में आएगा क्या करेंगे? देखो यहाँ पे टू की पावर में ये भी टू की पावर, ये भी टू की पावर, और बाकी जितने नंबर्स हमारे पास दिए हुए टू फोर सिक्सटीन ये सब क्या है? ये टू के मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई टू टू दी पावर एन प्लस वन माइनस टू की पावर टू, टू की पावर टू हो गया ना.